तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक साथ दो बड़ी साउथ फिल्में जो कि रिलीज होती दिख रही है, और जैसे कि यहाँ पर बॉलीवुड की भी एक फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि हमें आती दिखी, और इसमें दोस्तों तीन फिल्में जो कि हैं एक साथ थिएटर्स में आई। साथ ही जैसे यहाँ पर साउथ फिल्में तो यहाँ पर डायरेक्ट हिंदी में भी रिलीज होती दिख गई, लेकिन जैसे कि दोस्तों देखा जाए तो एक बार फिर से यहाँ पर साउथ फिल्में जो कि बाजी मारती दिख रही है, जैसे कि अजीत की वली में पवन कल्याण की विमला नायक जो कि यहाँ थिएटर्स में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर तबाही मचाती हुई दिख रही है। और जैसे कि इन दोनों ही फिल्मों के लिए सभी का क्रेज जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर चढ़कर बोलता दिख रहा है। जैसे कि यहाँ अजीत की वली में यहाँ पर फर्स्ट डे यहाँ पर कलेक्ट कर लिया लगभग 62 करोड़, और जैसे कि दोस्तों यहाँ इतनी ज़्यादा कमाई को देख ही यहाँ पर सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। और दूसरी तरफ जैसे कि पवन कल्याण की विमला नायक जिसने कि अपने फर्स्ट डे यहाँ पर कलेक्ट कर लिए 61 करोड़, तो जैसे कि दोस्तों इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन को देख तो यहाँ पर आप भी जरूर चौंक ही गए होंगे। और जैसे कि बॉलीवुड की तरफ से आने वाली गंगूबाई काठियावाड़ी ने यहाँ पर अपने फर्स्ट डे कलेक्ट किए लगभग 10 करोड़, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ दोनों ही साउथ फिल्मों के एक साथ रिलीज होने के बावजूद यहाँ पर दोनों ही फिल्मों का कलेक्शन जो कि काफ़ी तगड़ा है। और वहीं उसके ऑपोजिट यहाँ पर गंगूबाई काठियावाड़ी जो कि केवल यहाँ 10 करोड़ के आसपास ही कलेक्शन कर पाई, लेकिन जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये तो पक्का है कि अभी भी साउथ फिल्मों का दबदबा जो कि काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।